परेशान मात्र शाळाઓ જ નહીં વેપારીઓ પણ છે। एक तरफ फायर सुविधाना अभावे तंत्र तवाई बोलावी रह्यु छे, परंतु बीजी तरफ व्यापारीओनो आक्षेप छे के तंत्र अने बिल्डरोना वाके हाल तेमने धंधा रोजगार गुमावानो वारो आव्यो छे। सूरत में फायर विभाग द्वारा अनेक दुकानों ने सील करवामां आवी छे अने तेने पगले ज व्यापारीओमां भरेला अग्नि जेवी जेवो रोष भभूकी उठी गयो छे। सूरत में आज टेक्सटाइल मार्केटना व्यापारीओ द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन करवामां आव्यु हतु। रोषे भरायेला व्यापारीओए टेक्सटाइल मार्केटना रस्ता पर चक्काजाम करीने देखाओ कर्यो हतो अने दुकानों खोलवा मांग करी हती। फायर सेफ्टीना अभावे कॉम्प्लेक्स ने ज सील करी देवाता हाल व्यापारीना धंधा तमाम अटवाई गया छे अने व्यापारीओने करोड़ो रूपियाना नुकसानीनी भीति सेवाई रही छे। व्यापारियों का क्या कसूर है? हम व्यापारियों ने क्या करा है? क्या हमें जीएसटी नहीं बनना? क्या अपनी पगार नहीं देनी स्टाफ को? माल नहीं जाने? और जो हम लोगों का नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई कौन करेगा इस नुकसान की? आपने मार्केट बंद कर दी, क्या हमने मार्केट का रेंट नहीं दिया है? हमने रेंट नहीं दिया है, मेंटेनेंस नहीं दिया। मार्केट रात को 12 बजे सील की गई, नोटिस बिल्डर को दिया गया, गलती बिल्डर की है, उसमें सारे व्यापारी भुगत रहे हैं 10 दिन से। जिसको टीडीएस भरना है, जिसको जीएसटी भरनी है, सारा किसी का काम, कोई भी व्यापार ठप हो गया है। जो लोग काम करने वाले हैं उसमें लेबर है, कटिंग है और बाकी के पोटला उठाने वाले, सारे लोगों का व्यापार बंद है। व्यापारी भी रोड पे है, दुकानें बंद की गई, समथिंग 14 से 15 मार्केट बंद है, टोटल 15 के 15 मार्केट बंद है। और 15 मार्केट का व्यापारी सारा रोड पे घूम रहा है, उसके स्टाफ रोड पे घूम रहे हैं, कटिंग वाले हैं, फोल्डिंग वाले हैं, जितने लोग हैं सारे के सारे रोड पे घूम रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है उनके। व्यापारियों नो रोष ए हदे उग्र बन्यो अने परिस्थिति कंईक एवी वणसी के मामलो थाड़े पाड़वा माटे पोलीसे घटनास्थळे पहोंचीने कार्यवाही करवानी फरज पड़ी। व्यापारियों नो दावो छे के 14 थी 15 टेक्सटाइल मार्केट तंत्र द्वारा बंद करी देवाया छे अने मार्केट क्यारे खुलशे तेने लईने पण कोई ज चित्र स्पष्ट नथी। तेओ तो समयसर कॉम्प्लेक्सनी दुकानोना भाड़ा भरी रह्या छे, त्यारे तेमनो आखरे वांक शुं छे? व्यापारीओनी जे दुकानो सील करी छे ने तेना कारणे व्यापारीओनो छेल्ला 15-20 દિવસથી જે વેપાર છે તે ઠપ થયો છે, કોઈ તેનો રસ્તો નથી નીકળતો, એનઓસી અથવા તો ફાયરની સુવિધાને લઈને કોઈ રસ્તો નથી નીકળતો, અધિકારીઓ તરફથી હેરાન પરેશાન કરવામાં આવી રહ્યા છે અને તેના કારણે આખરે સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટ છે આખું જે જામ છે તે કરવામાં આવ્યું છે। રસ્તો છે તે રોકી અને જે વિરોધ છે તે કરતા નજરે છે તે પડી રહ્યા છે। ત્યારે જોવાનું રહ્યું કે ઉચ્ચ અધિકારીઓ સુરત મહાનગરપાલિકા અને ફાયર વિભાગ તરફથી હવે કઈ રીતે આ રસ્તો છે તે કાઢવામાં આવે છે, સિલ્કની કામગીરી છે તે ક્યારે ખોલવામાં આવશે તે વેપારીઓની આશા અપેક્ષા જોડાયેલી છે। કેમેરામેન સંજય ચંદલ સાથે બલદેવ સુતાર, TV9 સુરત।